बाद हत्या किए जाने वाली घटना के विरोध में चिकित्सकों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद में भी इस घटना को लेकर चिकित्सकों में भारी रोष व्याप्त है। इसी क्रम में शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले अन्य संगठन भी संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और इस घटना के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर चिकित्सक उस वक्त आक्रोशित हो गए जब ज्ञापन लेने के लिए नगर मजिस्ट्रेट किशुंक श्रीवास्तव प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनके द्वारा एक दिन पूर्व ही ज्ञापन के बारे में सूचित कर दिया गया था, तो जिलाधिकारी यहां क्यों उपस्थित नहीं है, इस बात को लेकर काफी तकरार हुई। इस बीच एडीएम सिटी ज्योति सिंह भी वहां पहुंच गई और उन्होंने भी जिलाधिकारी की व्यस्तता के चलते उन्हें ही ज्ञापन देने की बात कही, लेकिन चिकित्सक अपनी जिद पर कायम रहे और यही मांग करते रहे कि जिलाधिकारी उनके बीच जाकर ज्ञापन प्राप्त करें। लगभग 30 मिनट की बहस के बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन प्राप्त किया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन के माध्यम से कोलकाता में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की जाने वाली घटना पर चिंता प्रकट करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने और चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान किए जाने आदि अनेक मांगों को उजागर किया गया। कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रवि गंगल ने बताया, इस दौरान डॉक्टर बबीता गुप्ता, डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर मनोज सक्सेना, डॉक्टर श्रुति खन्ना, डॉक्टर श्रीधर, डॉक्टर अनुराग खन्ना, डॉक्टर पायलपुरी एवं डॉक्टर सुनील सहित भारी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। जी डॉक्टर, आप कलकत्ता वाली घटना को लेकर आज जो ये प्रोटेस्ट रहा आपका, क्या किस तरह का रहा? हमारा आज हमारे सेंट्रल आईएमए और प्रदेश आईएमए के निर्देश पे हम लोगों ने आज एक शांतिपूर्ण बैठक की, जिसमें अपने मेंबर्स को हमने अपने स्ट्राइक के कारणों पे बताया और हमने अपने प्रदेश और देश के आईएमए के निर्देशों पर हमने अपना डीएम साहब को प्रधानमंत्री के साथ के खिलाफ पेश किया। क्या मांगे हैं उसमें? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत गिरफ्तारी हो और तुरंत कार्रवाई हो, उनको फांसी दी जाए। डॉक्टर्स को और चिकित्सा कर्मियों को कार्य क्षेत्र में सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, जैसा कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा 2016 से लंबित है। दूसरा ये कि कहीं भी काम करने में हमें काम करने का माहौल, सुरक्षित माहौल प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि हम सब अपना भयमुक्त से अच्छे से अच्छा काम कर सकें। प्लस हमारी एक मांग ये भी है कि जो पीड़ित परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। कोलकाता की घटना को लेकर आपके साथ में और भी कोई संगठन शामिल है? हमारे साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, डॉक्टर रोमन सिंगल हैं, हमारे साथ एमआर एसोसिएशन के कई लोग हैं, संजय नारंग हैं, पाठक हैं, कई सारे एमआर के संगठन हमारे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ब्यूटीफुल लेडीज क्लब जुड़ा हुआ है और भी कई समाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो शाम को और भी ज्यादा संस्थाएं हमारे साथ आगे कैंडल वाले। आपकी हड़ताल भी चल रही है इस मुद्दे को लेकर? हड़ताल आज सुबह 6 बजे लगे, कल सुबह 6 बजे तक की।